हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीटी यू एंड हियर आई एम डॉली। सो गाइस, मेरी अभी कुछ वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत डिले से आ रही थी। सो गाइस, अभी इशू ये था कि कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसकी वजह से कंटिन्यूटी में वीडियोस नहीं आ पा रही थी। अभी मेरी जो वीडियोस हैं आपको रेगुलरली मिलती जाएंगी। हो सकता है कि बीच में थोड़ी कंटिन्यूटी एकदम से नहीं मिले आपको, बट हाँ पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अभी जो वीडियोस हैं आपको वो प्रॉपरली मिलेंगी। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है वो प्राइमर के ऊपर है। हमारे जो फेस है उस पर मेकअप करने से पहले हमें प्राइमर अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। प्राइमर हमें इसलिए अप्लाई करना चाहिए ताकि हमारा जो बेस है वो बिल्कुल एक अच्छे से सेट हो जाए। उसको बेस को अच्छे से सेट करने के लिए ना हमेशा जो है हमारी जो स्किन है उस पर हमें प्राइमर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए ताकि जो हमारे जो ओपन पोर्स वगैरह हैं उसमें हमारा जो फाउंडेशन वगैरह है वो काफ़ी उसके अंदर हमारी स्किन को डैमेज ना करें। हमारे स्किन पे और जो कॉस्मेटिक हम यूज़ करें उसके बीच में एक लेयर होनी ज़रूरी होती है, इसलिए हम एक प्राइमर का यूज़ करते हैं। इसीलिए हम अपने फेस पे प्राइमर लगाते हैं। और आज मेरे पास में जो प्राइमर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ इसका रिव्यू, ये है ब्लू हेवन का जो प्राइमर है एंड इट इज़ अ फ्लॉलेस मेकअप बेस प्राइमर एंड ऑयल फ्री प्राइमर है जो कि ब्लू हेवन का है। इसी का मैं कंप्लीट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कि ये प्राइमर कैसा है और इसे आपको कैसे अप्लाई करना है, इसके रिजल्ट्स कैसे हैं एंड दूसरे प्राइमर से अगर हम कंपेयर करें तो ये प्राइमर कैसा रहेगा। गाइज, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नीचे एक बेल आइकन का आइकॉन बना होगा, उसे प्रेस करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और थम्स अप जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे हमारी वीडियो पे। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइमर हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो प्राइमर हम लोग बेसिकली हम लोग ये यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं यार प्राइमर क्यों यूज़ करना है, तो प्राइमर हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी स्किन और जो कॉस्मेटिक जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके बीच में एक लेयर होनी चाहिए जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, तो इसीलिए हम प्राइमर का यूज़ करते हैं। एंड एक मेकअप को भी ही एक फ्लॉलेस बेस प्रोवाइड करने के लिए भी हम प्राइमर का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो मेकअप है वो बिल्कुल फ्लॉलेस जाए, इसीलिए हम एक अच्छा प्राइमर चूज़ करते हैं। तो मेरे पास में ये ब्लू हेवन का प्राइमर है एंड ये है परफेक्ट बेस फॉर लॉन्ग स्टे मेकअप के लिए है एंड ये जो भी आपकी जो पोर्स है उसको फिल करता है एंड फाइन लाइंस को भी बिल्कुल एक क्लीन टच देता है एंड सिल्की मैट फिनिश है इसका। अभी मैं इसको अप्लाई करके देखती हूँ कि क्या ये वाकई में ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं कि ये पोर्स को फिल कर रहा है एंड फाइन लाइंस को स्मूदन आउट कर रहा है, स्किन को एकदम से स्मूथ बना रहा है और स्मूथ टच है या नहीं है इसका। बहुत ज़्यादा ऑयली तो नहीं है, चिपचिपा तो नहीं है, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है हम लोग ऐसे प्राइमर यूज़ कर लेते हैं उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ने लग जाता है, इसके कारण पूरा जो मेकअप है हमारा ख़राब हो जाता है। एंड बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी पैकेजिंग है, इसको ओपन करके बताती हूँ इसका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है। ये इसका प्रोडक्ट है, बिल्कुल प्यारा सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब अब इसको मैं अप्लाई करके आपको बताती हुई, देखिए ये देखिए बिल्कुल है ना, स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है, बहुत ही स्मूथ हो गई है स्किन एंड शाइनिंग भी है इसके अंदर, स्किन पे शाइनिंग प्रोवाइड कर रहा है, बहुत ही स्मूथ है। मतलब अगर मैं आपको बताऊँ ना तो मेरे पास में दूसरे प्राइमर्स भी हैं बट मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ब्लू हेवन का प्राइमर इतना अच्छा होगा। ये प्राइमर काफ़ी अच्छा है और मुझे काफ़ी इसके रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ कर दिया है स्किन को, बहुत अच्छे से स्मूथ हो गई है स्किन एंड बहुत ही स्मूथ टच है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें लिखा था कि ये जो आपकी जो पोर्स है उसको बहुत अच्छे से फिल करेगा, तो मुझे लग रहा है कि पोर्स को बहुत अच्छे से फिल कर रहा है, फाइन लाइंस को भी ये रिड्यूस करेगा। अभी मैं आपको एक डेमो देके बताऊंगी कि ये फेस पे आपको इसको कैसे अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद जो आपका फेस है वो कैसा दिखता है। गाइज, आपको इसको सिंपली थोड़ा सा अमाउंट में प्रोडक्ट को लेकर के इसे अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है एंड फेस को अच्छे से वॉश कर दीजिएगा पहले एंड वॉश करने के बाद आपको इसको हल्के हल्के हाथों से अप्लाई करना है
एंड जब तक ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता ना आपको, तब तक इसे अच्छे से अप्लाई करना है। गाइस अप्लाई करने पे मुझे बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा, मतलब बहुत ही स्मूथ स्किन हो गई है, बहुत ही मतलब शाइनी स्किन हो गई है एंड स्मूथनेस बहुत अच्छी है इसकी। मैंने भी आपको डेमो देके बताया कि उसको कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद मैंने आपको स्किन भी बताई आपकी अपनी की कैसी आपकी जो स्किन है वो दिखेगी। तो सो गाइज मतलब बहुत ही अच्छा प्राइमर है, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको ये प्राइमर मिल रहा है, पहली चीज़ तो ये, क्योंकि इस रेंज में इतना अच्छा प्राइमर मिलेगा आई कांट एक्सपेक्ट। एंड दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ही अच्छे से इसने पोर्स को क्लोट किया है एंड इसके ऊपर जब मैंने अपना एक मेकअप अप्लाई किया है तो बहुत अच्छे से अप्लाई हुआ है एंड जो फाइन लाइंस वगैरह थी उसको भी काफ़ी हद तक इसने ओवरले किया है। मैं इस प्राइमर को अगर आपको रिकमेंड करूँ तो डेफिनेटली अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैंगे। सो गाइज मेरे चैनल पे चल रहा है अभी गिव अवे, सो आज का गिव अवे का कोड है 6892। सो कनेक्टेड रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट गो विदाउट सब्सक्राइबिंग द चैनल। बाय बाय।